कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और इसी बीच कांग्रेस और जेडीएस दोपहर तक आए रुझानों में बीजेपी 84 सीटें जीत चुकी है और 19 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस ने अब तक 55 सीटें जीती हैं और 24 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीएस ने 21 सीटें जीतकर 16 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता बीच बीच में अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुछ समय में शुरुआती रुझान पलटेंगे और उनकी सरकार बनेगी, हालांकि ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारी जीत होगी, लेकिन पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेंगलुरु में 11,000 पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी और कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस की 20 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कर्नाटक का सियासी दांवपेच फंसा हुआ है। अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार कौन बनाएगा। बीजेपी ने अपने 3 नेताओं को बेंगलोर भेज दिया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। कांग्रेस नेताओं को राजभवन में अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है, वो लौट आए हैं। एसपीएन नाइन रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।